అసెంబ్లీలో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తే సీఏఏకు వ్యతిరేకంగా చట్టం చేస్తామన్నారు ఆ పార్టీ జనరల్ సెక్రటరీ ప్రియాంక గాంధీ అలాగే ప్రతి నెల 200 యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తామన్నారు ఉత్తరప్రదేశ్లోని తేజ్పూర్లో ఆమె ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు आज आपके सामने खड़े हुए हम खोखले वादे करने नहीं आए हैं। आपने सुना होगा कि कुछ समय से कांग्रेस के सारे नेता असम भर में भ्रमण कर रहे हैं। वहां उन्होंने जो जो समस्याएं सुनी उन समस्याओं के आधार पर कि आपको वादे नहीं लेकिन 5 गारंटी देंगे। वो 5 गारंटी क्या है? वो 5 गारंटी ये है, सबसे पहले जब हमारी सरकार बनेगी तो काक के ये कानून लागू होगा जिसके तहत यहां पे का लागू नहीं हो पाएगा। दूसरा कि बिजली के 200 यूनिट आपको मुफ्त में मिलेंगे हर महीने। इसका मतलब है कि 1400 रुपए आपके बच जाएंगे बिजली के बिल से हर महीने। तीसरा गारंटी कि जो मेरी बहनें घर संभालती हैं अपनी मेहनत से अपने पूरे परिवार की परवरिश करते हैं उन बहनों को 2000 रुपए हर महीने गृहिणी सम्मान के तौर पर मिलेगा। तो चौथी जो गारंटी है वो गारंटी खास उन महिलाओं के लिए है, उन श्रमिकों के लिए है जो चाय के बगान में काम करती हैं। और क्या गारंटी है ये? कि उनको 365 रुपए का वेतन मिलेगा। पांचवा जो गारंटी है उसके तहत कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो कम से कम 5 लाख सरकारी नौकरियां बनेंगी। अब ये गारंटी जो है सिर्फ ऐसे ही नहीं कहे हैं, एक पूरी टीम बैठी है, उन्होंने असम की अर्थव्यवस्था की हालत देखी है, ये सब आंकड़े पड़े हैं और एक पूरी योजना बनाई है जिसके तहत आप सबको ये गारंटी